नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं कि आपको भी मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे कि बाह सर आपने क्या ट्रिक बताई है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो आता है उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 10 हो गया। ठीक है, 10 के बाद में मान लीजिए 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, जिनके लास्ट में जीरो है उन संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10 का तो आप सभी को मालूम है 100 हो जाता है 10 का। ठीक है, इसके बाद में 20 का कैसे निकलेगा, सबसे पहले 2 का वर्ग निकालिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, और जीरो कितनी है, यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 20 का वर्ग निकल आया। 30 का कैसे निकलेगा, 3 का वर्ग निकालिए, 3 × 3 = हो जाएगा 9, और एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ये 2 जीरो इसका हो गया, लो भैया। इसके बाद में 40 का कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16, और 2 जीरो लगा दीजिए, 1 जीरो की 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद 50 का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 का निकालेंगे, 5 × 5 हो जाएगा 25, और 2 जीरो की 1 जीरो की 2 जीरो हमने लगा दी। 60 का निकलेगा, 6 का वर्ग क्या होगा, 6 × 6 = 36, तो ये हो गया 36, और 1 जीरो की 2 जीरो लगा दो। देखिए कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, आपको मजा भी आ रहा होगा कि वाह सर कितना सिंपल है। इसके बाद में 70 का हमें निकालना है, 7 × 7 कितना होता है, 49। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49, और 1 जीरो की 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद में 8 का वर्ग क्या होता है, 8 × 8 = 64, तो ये 64, और 2 जीरो, 1 जीरो की 2 जीरो लगा देंगे। 9 का क्या होता है, 9 × 81, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 81, 1 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ये 2 जीरो लग गई। इसके बाद में 100 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 10 है, 10 का निकालो, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और 1 जीरो की 2 जीरो, तो ये देखिए 10,000 हो गया। तो देखिए जीरो जिनके लास्ट में होगी उन संख्याओं का वर्ग आप इतने ही सिंपल तरीके से निकाल पाएंगे, जिनके लास्ट में जीरो होगी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और सीखेंगे। अभी तो सिर्फ हमने जीरो वाले सीखे हैं, अब कुछ अलग संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे कि मान लीजिए 15 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, 55 हो गया, ठीक है, इसके बाद में 65 हो गया, इसके बाद में 75 हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर 85 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनके लास्ट में 5 आता है। ठीक है, देखिए इन सभी के लास्ट में 5 है, तो इनका स्क्वायर बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15 का हम निकालते हैं, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए कितना हो गया, 25। ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 25, तो ये हमने 25 लिख दिया। और 1 है, 1 का अगला नंबर क्या है, 2, तो 1 और 2 को गुणा कर दो, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 225, देखिए 15 का आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 25 है, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और 2 का अगला नंबर क्या है, 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हो गया 625, देखिए 25 का 625 निकल के आ गया। अब 35 का कैसे निकलेगा, सबसे पहले 5 का लिख देते हैं 25, ठीक है, और 3 का अगला नंबर क्या है, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो ये देखिए 1225 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5, तो 4 × 5 में करेंगे, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, इसके बाद 55 का, तो यहाँ पर 5 है, तो सबसे पहले 25, और 5 का अगला नंबर क्या है, 6, तो 5 × 6 = 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमारे वर्ग निकलते जा रहे हैं। इसके बाद में देखिए 65 का, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, 6 का क्या हो जाएगा, 6 का अगला नंबर होता है 7, तो 6 × 7 = 42। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 42, 4225 हो गया। इसके बाद में देखिए 75 का निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 7 का अगला नंबर क्या है, 8 है, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है, तो 5625, ये हमारे 75 का स्क्वायर हो गया है। चलिए अब 85 का देख लेते हैं, तो सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, 8 का करेंगे, 8 का अगला नंबर क्या होता है, 9, तो 8 का गुणा 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 72। इसके बाद में 95 का देख लेते हैं, 5 है लास्ट में, सबसे पहले आ जाएगा 25, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए 9 का अगला नंबर क्या होता है 10, तो 9 इधम 90। तो ये देखिए हमने इतनी सारी संख्याओं को लिया है और सभी के हमने वर्ग देखिए कितनी आसान तरीके से निकाल दिए हैं। चलिए अब कुछ दूसरी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों अब हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 16 हो गया, 18 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए 15 हो गया, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान लगाकर देखना है। इसमें से 2-3 एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 18 का वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका वर्ग निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 अठैया कितना हो जाएगा 64, तो ये 64 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो 1 है इसका करेंगे तो इसका तो 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है, 1 को, 8 को और 2 को, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो हम 16 को कहाँ पर लिखेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ से, ये हो गया 6 और ये एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा 4, 6 और 6 12 की कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से ले कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर 324 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो 18 का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा 318 आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अब हम करते हैं 16 का करते हैं, ठीक है। तो 16 करेंगे, सबसे पहले 6 का स्कोर कितना हो जाएगा 36, तो ये हमने 36 लिख दिए। फिर 1 का स्कोर करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्कोर ऐसे करते हैं तो देखिए 6 और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 को हम एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, इधर से एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6, 3 2 कितना हो गया 5 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 256 जो है वो 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब 90 का करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एक और 90 का एग्जांपल लेते हैं, इसका तो आप पुरानी वाली टेक्निक से निकाल सकते हैं कि देखिए सबसे पहले 9 का करेंगे, 9 नाम हो जाएगा 81 और 1 0 की 2 0 लगा दीजिए, तो ये तो पुरानी ट्रिक से निकल आया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें निकालना है 25 का, तो 25 का वैसे 5 वाली स्कीम से निकाल सकते हैं लेकिन हम इसको इस तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 का करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25, तो ये 25 लिख दिया। 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4, तो ये 2 2 4 हो गया। अब इन सब का आप गुणा कर लीजिए, 5 2 10 10 2 20, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 20। अब इनको एक अंक छोड़ के हमने जोड़ा है तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो देखिए 25 का 625 वैसे भी आया था और ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का, किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग यहाँ पर निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।